नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। तालिबान ने देश छोड़कर जाने वाले अफगान नागरिकों से की अपील, कहा मुल्क की तरक्की के लिए करें काम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल वाणिज्यिक और यात्री उड़ानों पर रोक को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि कोरोना के मामलों के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। अयोध्या के राम जन्मभूमि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा और अर्चना, साथ में सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल भी थी। किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि करनाल में पुलिस से हुए झड़प के बाद एक किसान की मौत हो गई है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से गुस्साए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, इस तरह किसानों पर लाठीचार्ज करके सरकार क्या साबित करना चाह रही है। इस घटना से जाहिर होता है कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति और महामारी से प्रभावित इकोनॉमी की रिकवरी पर चर्चा होगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ईडी का अफसर बनकर लोगों से ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को सांसद मार्ग थाने के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस गैंग का मास्टरमाइंड डॉक्टर संतोष राय है, जो वाराणसी के एक बड़े नेता का भाई बताया जा रहा है। संतोष के खिलाफ 50 से ज्यादा ठगी के मामले भी दर्ज हैं और वह एम्स का पूर्व डॉक्टर भी रह चुका है। यूपी के बरेली में 2 लड़कों को अपने YouTube चैनल के लिए पुलिस वाला बनकर प्रैंक बनाना महंगा पड़ गया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र में भील आदिवासी को चोर का शक होने पर गाड़ी के पीछे खींचने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। SP सूरज वर्मा और कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आरोपियों के गांव पहुंचकर उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से नष्ट करवा दिया है। स्वदेशी कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण भागीदारों की तलाश कर रही है, ताकि हर साल COVID-19 वैक्सीन की 1 अरब खुराक तैयार करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। सड़क निर्माण ना होने से रामपुर जनपद की विलासपुर तहसील के मोहल्ला सिंह कॉलोनी के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक बलदेव सिंह आलोक ओलक को कीचड़ भरी सड़क में पैदल चलवाया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार हॉबी है और अफसर लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली परिवहन निगम में 1000 लो फ्लोर बस खरीदने के मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में हाईकोर्ट ने एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। चंडीगढ़ के रोड पर शहर का पहला सरकारी हेल्थ क्लब बनने जा रहा है। इस हेल्थ क्लब में अत्याधुनिक जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, सोना बाथ व स्टीम बाथ जैसी सुविधाएं मिलेगी। यमुनानगर में बाइक चोरों के गैंग का हुआ खुलासा, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइकें हुए बरामद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। सीएम ने देवप्रयाग, तोता घाटी, 3 धारा, कोडियाल, ऋषिकेश, रौनी पोखरी और नरेंद्रनगर, थकोट और चांबा के आपदा ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे को 3 घंटे के भीतर खोलने के आदेश दिए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसे लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। इस बीच सरयू राय ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन परिवारों को देगी 6000 रुपए सालाना, 1 सितंबर से होगा पंजीकरण। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला स्थित तहसील मुख्यालय घटिया में पुलिस थाना के समीप बने यात्री प्रतीक्षालय के पास एक महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया। महिला पुलिसकर्मियों ने चादर की आर कर महिला का प्रसव कराया, बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया भेजा गया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहुल घाटी का दौरा कर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल टनल लाहुल व पांगी के लोगों के लिए वरदान बनी है, इससे पर्यटन के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। काबुल जेल से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का नामी कमांडर एजाज अहमद अहंगर उर्फ उसामा कश्मीरी फरार हो गया है। इससे भारत की सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। आशंका जताई जा रही है कि अहंगर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS गुलाम कश्मीर में पनाह दे सकती है। कोलकाता के नदिया जिले के सीमावर्ती इलाके में सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 6 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय चालक को वाहन समेत पकड़ लिया है। उड़ीसा विजिलेंस की एक टीम ने बरगढ़ जिला के बीजेपुर में वीडियो के रूप में पदस्थ पदम नाम सामंत राय को 3,51,300 रुपए की नकदी के साथ हिरासत में लिया। उससे सोनपुर विजिलेंस कार्यालय में रुपए के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्य में फिर से मंदिरों को नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रीट सोमैया ने निजी यात्रा के दौरान मेवाड़ के आराध्य भगवान एक लिंगनाथ के दर्शन किए। यूनियन बैंक ने निकाली 347 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार 3 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट unionbank.com पर कर सकते हैं अप्लाई। एक शोध में खुलासा हुआ है कि मधुमेह के मरीजों को रोजाना सुबह 8:30 बजे से पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। इससे इंसुलिन प्रतिरोध और ब्लड शुगर स्तर कम होता है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 3 मैचों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। वहीं रहाणे के द्वारा लगातार किए जा रहे खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इशारों में उन्हें टीम से बाहर करने की सलाह दे दी है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म चेहरे को लेकर सुर्खियों में है। यह फिल्म इस शुक्रवार सिनेमा घर में रिलीज हुई है। सस्पेंस से भरे चेहरे में अमिताभ बच्चन एक वकील की भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसको दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।